के चले जाने के बाद में बादशाह का सॉन्ग लगाया डी जे सक्सेम प्रो वाले ने मतलब तो बादशाह के जाने के बाद में बादशाह वाले कहा नहीं लगी वो फिलहाल देखिए तीन गेंदों में बड़े बड़े शॉट देखने मिले दस रन वहां पर अर्जित किए लेकिन चौथे गेंद पे कुछ अलग करना चाहते थे परफेक्ट यॉर्कर लेन डिलीवरी की डाली यहाँ पर आकाश लोनकर ने और दांडी गुल वहां पर होती नजर आई है न्यू बैटर चलो भेड़ वास्वा न्यू बैटर अब देखिए कैप्टन कुल चेतन कालंग आए हैं बहुत ज़बरदस्त ये दोनों के बीच में अगर मुकाबला बात करें आकाश लोनकर छोटी गेंदी बनाया और बना के खेला है और गेंद को आते ही भेजा है डग आउट में कैप्टन कूल का बल्ला बोला है छक्का यहाँ पर मिल जाएगा नाम नहीं, नहीं है पहचान नहीं है ब्रांड है खिलाड़ी चेरन प्रांजल ना? ना प्रांजल गायकवाड आए हैं गेंदबाजी करने के लिए शायद इनके ऊपर भी नजर रहेगी अमोल तावरे अब स्ट्राइकिंग रहेंगे स्ट्राइक पे रहे पहले मैन फॉर्म सांघवी के एक दिग्गज बैटर बहुत सालों साल टेनिस क्रिकेट विश्व की सेवा इन्होंने भी की है एक हार्ड हिटर के रूप में पहचाने जाते हैं सोलह पहले ओवर में महंगी और कहेंगे आकाश लोनकर की शूरत और के जी ऑफ किंग के बीच में मुकाबला चल रहा है आ, ये शॉर्ट पिच गेंद थी खड़े खेले कट करना चाहते थे वो बल्ला बहुत जोर से घुमा है बाद में इन्होंने वो जो हाथ आपने एक्शन की क्या उस तरह से शॉट खेल सकते थे इसके ऐसे उठती हुई गेंद को आप जोर से नहीं है बस तकनीकी तौर पे सहला दीजिए शायद ये भी कनेक्ट हो सकता है लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद के साथ में प्रांजल का निकले फिर से एक बार अमोल तावरे के लिए इस बात देखिये चेंज ऑफ पेस बिल्कुल देखिए यहाँ पर वेरिएशन करें रनआउट का मौका थ्रो करेंगे लेकिन सिंगल यहाँ पर लेग बाइज के रूप से जी हाँ सिंगल क्या बल्ले के साथ में या लेग बाइज के रूप यहाँ पर रन आई है बल्ले के साथ में यहां पर रन आता हुआ सत्रह रन लगे बोर्ड के ऊपर ये दोनों के बीच में मैंने अक्सर कहा है कि जे किंग जब आती है शिवरत्न विनर्स आते हैं तो दोनों के बीच में मुकाबला देखने वाले कहते हैं सांप और नेवले की लड़ाई बीच मैदान में, में जारी है क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे के के ऊपर भारी हुई है देखिए ये सहला देने की मैं बात कर रहा था काफी आगे निकल गया हो।, हो, हो, हो। यहाँ से देखिए बातचीत करते नजर आ रहे हैं समझा रहे हैं मिस्टर कैलकुलेशन वाली पारी खेलते हैं जब जब कैप्टन कुल चेतन काड़ंगे आते हैं मैंने बहुत सालों साल इनको देखा है कि मैच को बिल्कुल अपने कंधों पे लेके चलते हैं कैलकुलेशन वाली पारी खेलते हैं दो चीज़ें ऐस आपको क्रिकेटर बनना है तो दो चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए एक आपको कैलकुलेशन वाली पारी करना आना चाहिए और दूसरी आपके मैच्योर पर आपके अंदर आना चाहिए ये दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप परफेक्ट बैटर और परफेक्ट ऑलराउंडर हैं ये शायद भाग्यशाली है गेंदबाज प्रांजल गायकवाड़ यहाँ से देखिए ये गेंद दोबारा डाली है अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ अपने आप से हताश है शायद कहते ना कि आप ऐसे गेंद छोड़ते नहीं है इसी गेंद के लिए आप स्टंप को कवर किया और लेग के ऊपर खेलना चाहते और इतनी साधारण ये गेंद थी यह बस कनेक्शन होता था इसके ऊपर बड़े हिट आ सकता था लेकिन यहाँ पर आया है नहीं अतिरिक्त रन साथ में कारवा आगे बढ़ता हुआ अट्ठारह रन लगे बोर्ड के ऊपर एक तरफ देखिए तो शंकर पाटिल दत्ताभाव लोखंडे एंड अभिजीत काले मेंबर तो दूसरी तरफ यशवंत भाव खेलकर इस बार देखिए गेंदबाज के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड चेतन कैप्टन कारेंगे जबरदस्त तो है जोर से मारने की कोशिश नहीं करते अपने टाइम पे निर्भर रहते हैं और हमेशा ये पारी को आगे बढ़ाते हैं 22 रन और एक और मतलब फला के शॉट खेलना चाहते थे खिलाड़ी है वहां पर रन लेना चाहते डायरेक्ट हिट हो फिर से बार अमोल तावरे जान हलक में लेके भागे थे इस समय क्योंकि डायरेक्ट हिट होता तो शायद डायरेक्ट मामला भी यहाँ पर आ सकता था डायरेक्ट आप डगआउट में भी जा सकते थे लेकिन आज भाग्य साथ देना पड़ेगा वो कहते है ना कि हैं ना हमेशा कहते हैं तो फिक्रों का मामला जब ही होता है क्योंकि कहते हैं ना जना फिक्र करता है क्यों फिक्र से होता है क्या आज कर ले भरोसा खुद पे फिर देख होता है क्या हर खिलाड़ी अपने आप पे भरोसा कर लीजिए अपने आप में वो ताकत आजमा लीजिए फिर देख होता है क्या तेईस रन ट्वेंटी थ्री ये ये मेरे हिसाब से पहले शपल हुए थे अंपायर यही कह रहे ये गेंद बाहर बुल्लाती है मगर जाने का नहीं जाएंगे तो फिर अंपायर देने रही वो देख वो कहते ना जनाब जना जिस गाँव को जाना नहीं उस गांव को पता क्यों पूछते हो छोड़ दीजिए जनाब वैसे जी कालू जी छोड़ देने में बहादुर छेड़ेंगे तो मुश्किल है शायद आपके साथ में है अध्यक्ष वो बचा लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थ्री फाइव फोर बहुत रेंजर होता है इसलिए छेड़ने का नहीं फिलहाल देखिए यहाँ से बात करते अच्छा समझ के छोड़ना ये भी कभी कभार आपके लिए अच्छा होता नहीं है क्योंकि देखिए ये दिन अच्छा होना चाहिए जिस तरह से सलीम खान जो कि सलमान खान के पिताजी इन्होंने कहा कि इंसान के दिन अच्छा होने की कैफियत क्या है तो उन्होंने कहा कि दिन अच्छा उसका होता है कि जहां पर आप बल्ला रखते हैं वहां पर गेंद आती है वो आपके लिए अच्छा है ऐसा नहीं कि जहां पर आप बल्ला घुमाए वहां पर गेंद आ जाए उससे बेटर है उस कि जहां पर आपका बल्ला वहां पर गेंद आ जाए इस तरह से देखिए वो काम होता नजर आ रहा है गेंदबाजी में अब दो ओर की समाप्ति यहाँ और होती है अच्छा हो रहा है सात रन आया इस ओर में क्या कमाल की गेंदबाजी की है गेंदबाज ने प्रज्वल गायकवाड़ ने नाम इनका प्रज्वल है भविष्य इनका उज्जवल है क्योंकि सामने बस सात रन के जी ऑफ किंग के टीम में इन्होंने खर्च किए दो के बाद में तेईस रन अब आए हैं फिर से एक बार अभा अभा नांगरे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए शायद ये मच... चला, चला वाचवा आबा देखिए वक्त तैयार नहीं है मेरे हिसाब से तैयार नहीं है कैप्टन को बिल्कुल देखिए एक एक पारी एक हर साल आते हैं हर साल बीपीएल के अंदर सबसे ज्यादा समय इसी मैच में जाते है सबकी चर्चे सुने पीछा किया था लेकिन वहां बसीद आगू होती भाई और ये बहुत बड़ी विकेट और छोटी गेंद को खोटी बनाना चाहते थे कैप्टन कुल नाम आबा काम एकर बने रह बने लेकिन कैप्टन कुल चेतन कारंगी की विकेट बारामती प्रीमियर लीग में मिलना यह आपके लिए बहुत बड़ा पल है शायद अगर देखिए तो आबा के सामने फिर से बार न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए अमित खर से इस बार देखिए बहुत पीछा किया था लेकिन काफी बाहर है अमित आए हैं नाम इनका अमित है मिद मामला वो कहते हैं ना अब कहानी में आने आता नजर आएगा क्योंकि यहां से चौबीस रन विकेट बहुमूल्य आने के बाद में वो कहते हैं गेम चेंजर अब बनना पड़ेगा किसी को तो अमल तावरे इनके ऊपर नजर रहेगी शिवरत्न विनर्स की आ ये तो खिलवाड़ करने गए वो पहुंचाने के लिए गए मेरे हिसाब से वो एसटी स्टैंड तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से बंदा जाता है ना उस तरह से ये गेंद को पहुंचाने के लिए गए तो अक्सर बातें यही होती है कि बस पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए लेकिन फिलहाल यहां से देखिए शिवरत्न विनर्स एक बड़ी टीम है KGF के केजे दो हाथ करती है तो एक अलग मजा आता है डाउन द ट्रैक चाबुक शॉट बल्ले के बीचों बीच ये है कड़क कनेक्शन और अमित पहली गेंद पे बहुमूल्य विकेट लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा दिशा से भटक रहे हैं और ये अच्छा है वो कहते हैं आदब से खेला हुआ गजब का शॉट है लेकिन अच्छा एफर्ट वहां पर नवाब देख रहे हैं पर पर एक अच्छा वहाँ पर देते अच्छा देते हुए हुए करते एक वरिष्ठ खिलाड़ी अमोल तावरे के ऊपर नजर रनक तब जाएंगे तो अंतिम उन, क्षणों में देखने देख मिलते हैं लेकिन पहले ही दिन ये मुकाबले एक कट्टर स्पर्धी प्रतिद्वंद ऑस्ट्रेलिया बनाम हमेशा आप इंग्लैंड को देखते हैं भारत बनाम पाकिस्तान को देखते हैं और मुंबई वर्सेज चेन्नई को देखते हैं वैसे मुकाबला बीच मैदान में शिवरत्न के जी ऑफ किंग के बीच में मुकाबला है क्रिकेट गेम लोग कहते हैं क्रिकेट गेम गेम इज कहते हैं हैं लेकिन क्रिकेट क्रिकेट के बारे में यही कह सकते क्रिकेट एक इमोशन है क्रिकेट के अंदर एक सुख है क्रिकेट के अंदर एक गम है क्योंकि बहुत सारे सुखी हैं तो बहुत सारे गमगीन भी होते देखे हमने क्रिकेट के मैदान में ये तो फिर से लेफ्ट कराने की कोशिश है छोड़ दिया इस गेंद को अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ में और तीस रन लगे बोर्ड के बाद थर्टी रन तीसरा ओवर जारी है पहले ओवर में सोलह रन आए थे और बहुत महंगे साबित हुए थे आकाश लोनकर और ये देखिए ऑन द राइज बल्ले के बीचों बीच खेलना चाहते थे शरीर पे गेंद लगती हुई शायद देखिए यहाँ से अगर देखिए लिख बाइस के रूप से यह सिंगल यहाँ पर आता हुआ इस सिंगल के साथ में 31 रन लगे बोर्ड के ऊपर कहानी खत्म होती हुई तीन की इस सोहर की बात करें इस सोहर में रन आए आठ विकेट भी मिली कैप्टन कुल चेतन कारंगे के तीन के बाद में इकतीस 31... शायद यहाँ से अगर बात करेंगे तो प्राजल गायकवाड़ आए हैं लेकिन काफी सारे अगर देखिए बात करेंगे तो अमोल तावरे अगर देखिए शॉट को खेलने की कोशिश जरूर करते थे लेकिन यह कहानी बनी नहीं है डॉट गेंद यहाँ पर आती नजर आ रही है और इकतीस रन चौथे ओवर की प्रगति पे है आधा खेल अभी भी खत्म है सूरत विनर्स क्या सिक्सटी फाइव सत्तर तक पहुंच जाएगा इसके ऊपर नजर रहेगी प्राजल गायकवाड़ आ, ये खड़े खड़े शॉट मिड ऑफ बिल्कुल अंदर है और कम माल का संपर्क हुआ सामने लेन गेंद लेन गेंद को हब वॉली बनाया गेंद बनाया और मिड ऑफ के ऊपर से चौका जरा अमोल तावरे करते नजर आ रहे हैं अमोल तावरे थर्टी फाइव रन पैंतीस रन लगे बोर्ड के ऊपर इस बार कलेक्शन अच्छा है बल्ले के बीचों बीच नो लुक शॉट अमोल तावरे गेंद को बोचा दिया है बारामती दर्शन के लिए वड़ा शॉट शेरन बदलते हुए क्यों इनको श्रृंखला जारी एक, एक, टेस्ट में जा रही है। एक, -एक की बराबरी दो सौ इक्यानवे पे चार जडेजा खेल रहे हैं पचानवे रनों पे पांच रन दूर है अपने शतक से और दूसरी तरफ पहली मरतबा मौका मिला है सरफराज खान को जो कि पैंतालीस गेंदों में तिर मानो कि वो ओडीआई खेल रहे हैं ऐसे बल्लेबाज जो कि हाईएस्ट रणजी के स्कोर में रन बनाने वाले सरफराज खान को मौका मिला बहुत सालों के बाद में वो भावुक ट्वीट भी नजर आई उनके पिताजी की बहुत सारे रोए सदमे खाए दर्द ले सरफराज खान को एक बार मौका मिला जैसे ही मौका मिला पहला मैच खेल रहे हैं और लगी न नहीं रहा कि ये पहला खेल रहे हैं क्योंकि टेस्ट मैच और इंग्लैंड जैसे टीम के सामने खेलना कतई आसान नहीं है

गेम में तो ये मौका होता है दो रन के साथ में फोर्टी थ्री रन 43 रन लगे बोर्ड के ऊपर धीरे धीरे अब अमोल तावरे वो कहते हैं अपना वो असली खेल खेल रहे हैं एक और बात बात पटकी हुई गेंद थी निकल जाएगी फाइन लेग के खिलाड़ी के ऊपर से एक और पटकी हुई गेंद कनेक्शन अच्छा गेंद जाएगी कुल के विकेट कैपिटल कुल ने शिवरत्न विनाश का साथ छोड़ा जल्दी लेकिन उसके बाद भी अमोल तावरे अभी भी डगआउट में मैदान में स्थित है एक और बारतवा पिच एट के कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले के कनेक्शन नहीं है सीधा गेंद जाएगी विकेटकीपर के दस्तान में वसीम से केरेक के में यही समझाना चाहते थे डॉट गेंद के साथ में कहानी खत्म चार की चार के बाद में 47 रन डेब्यूटेंट यहाँ पर सरफराज खान के 48 गेंदों में 50 रन पूरे होते हुए डेब्यूटेंट सरफराज खान भारत के लिए डेब्यूटेंट आज के अब आना रहे हैं गेंदबाजी मार पे और आते इनका देखिए पहले स्टेप आउट किया अच्छा शॉट खेला ये शायद देखिए वहाँ पर रन सिंगल यहाँ पर लेंगे दूसरी की चेष्टा करेंगे नहीं और शायद अगर देखिए तो जबरदस्त क्षण बीच मैदान में किस्मत हमेशा मौका देती है बस कहते हैं आप उम्मीद मत छोड़िए लड़ते रहिए खेलते रहिए झगड़ते रहिए शाहिद भाई वो काम करते जाइए क्योंकि मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलती है फोर्टी एट रन एक और मतलब बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लग के गेंदे लेग क्षेत्र में रामा सोले वहां पर मौजूद है शायद रामा सोले थ्रो करेंगे और रन आता हुआ सिंगल सिंगल के साथ में फोर्टी नाइन रन उनचास रन लगे बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं पांचों और मैदान में जा रही है आभा एक प्रभावित गेंदबाज किए इन्होंने क्योंकि वो आभा ने वो काम किया है कि कैप्टन को पकड़ने वाला काम यही गेंदबाज ने किया है सालों साल याद करते हैं कि चेतन का विकेट आपने लिया है टेनिस क्रिकेट विश्व में इनकी विकेट लेने के लिए बहुत सारे प्लान होते हैं इन साइड आउट कदम ताल किया है अच्छा खेलना चाहते थे फिर से एक बार नवाब की तरफ गेंद जाती हुई थोड़े से प्रम्बल हुए हैं इसी के साथ में शिवरत्न विनर्स बोर्ड के ऊपर लगे कम्स अप यहाँ से देखिए पचास रन क्या शुरुआत की थी योगेश वटकर ने लेकिन उसके बाद में देखिए तो फिर वो कहानी बनी नहीं है अगले मैच की टॉस के लिए तैयारी टॉस तो के लिए रेडी रही है इस कलेक्शन वाह शॉट ताकतवर खिलाड़ी बीच मैदान में मैदान को किया है बोना अमोल तावरे के बार छह रन एक पिता के लिए इससे बढ़िया क्षण क्या हो सकता है आपके जो कि एक हरपल मौला जो कि लड़का आपका एक बेहतर के देश के लिए खेले उसके बाद में हाफ सेंचुरी बनाए सेंचुरी बनाए बड़ा शॉट खेले अमोल तावरे एक और बात बातवा इस बार भी बल्ला घूमाए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में है खिलाड़ी मयूर सिर सागर लेकिन बन जाएगा दर्शक और आता हुआ चौका इस चौके के साथ में साठ रन लगे बोर्ड के ऊपर अमोल तावरे सेट ऑन फायर

आखिर के छह गेंदे और गेंदबाजी मार पे अब देखिए तो वसीम आये खुद गेंदबाजी मार पे वसीम शेख आखिर के छह गेंदे गेंदबाज गेंद अगर देखिए पांचवे गेंदबाज नजर आ रहे हैं यहां से क्योंकि वसीम शेख एक और मतलब फिर से एक बार शायद अगर देखिए बात करेंगे तो एक और सिंगल यहां पर आता हुआ क्षत्रिय ब्लास्टर्स एंड सुपर स्ट्राइकर आखिरी कॉल ऑफ के लिए आ, यहां पर अगर देखिए सुपर स्ट्राइकर के टीम के कप्तान आ चुके हैं अगर आ, ये और खत्म होने के पहले आते नहीं है तो आपको पैनल होंगे इस बार फिर से एक बार चु... शॉटे अच्छा खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा हुआ नहीं है बार बार इनको मौका मिला था लेकिन यहाँ पर गलती की नहीं है कमाल का चक्का पकड़ा आभारी विकेट का पतन और पे बहुत सफल है के किंग के दूसरी तरफ अब बल्लेबाजी में आए यश जादव नाम इनका यश है लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सामने अमूल तावरे आपके साथ में यहाँ देखिए रन लेना चाहते रन आउट का मौका डायरेक्ट हो वसीम शेख जो कि बेहतर थ्रो इन्होंने किया और यश को जाना पड़ेगा बैक टू तो दी पवेलियन विकेट डिसीजन डिसीजन है। ब्लास्टर वन द टॉस एंड डिसाइड टू निर्णय बॉल फर्स्ट बॉल फर्स्ट क्षत्रिय ब्लास्टर टॉस जीता है पहले फील्ड का फैसला किया है शायद अब न्यू बैटर चेतन बारोकर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैन फॉर्म लोनी भापकर एक तो सांगवी का खिलाड़ी अब मजा आएगा क्योंकि एक तो बेस्ट गेंदबाज है वसीम शेख दूसरी तरफ अब तक बल्लेबाज में एक अच्छा काम करने वाले दो छक्के तीन चौके जिनके बल्ले से आए हैं ग्रेट फिनिश के करेंगे क्योंकि अब तक देखिए तो दो बस एक मात्र एक रन दिए ओह क्या पता स्वीट साउंडल ऑफ द बैट गेंद गई है

अच्छा नहीं है जितना अच्छा चाहते हैं दूसरा रन लेना चाहते हैं चेतन बारोकर अमोल तावरे एक भागे चेतन बारोकर दो बार भागे ये दो रन भागे लेकिन रन बस एक ही मिलेगी अंतिम गेंद पे विकेट जरूर आता हुआ उनहत्तर रन लगे बोर्ड के ऊपर सत्तर चाहिए मुकाबला जीतने के लिए छत्तीस गेंद सत्तर वाला मुकाबला क्या के जी एफ किंग यहाँ पर मैच जीतेगी या फिर शिव रत्न दो साफ बनने की लड़ाई है बड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में सेवेंटी रन टू विन चला जास्त वेळ घेऊ नका वेळेच बंधन पहा कारण साडे चार वाजलेत मला वाटतं यानंतर अजून एक दोन सामने बाकी आहेत हा सामना क्रमांक सहा आहे चला फलंदाजीसाठी लवकर या तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहू शकता इकडे मात्र आमचे सन्मान्य अतिथी आपल्या व्यासपीठावर सामन्याचा आनंद घेत आहेत सत्तर धावांचं आव्हान सेवन्टी एट द टार्गेट सत्तर धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग कसा होईल एकंदरीत याकडे प्रत्येकाचं लक्ष आहे एक चांगला सामना आपल्या भेटीला आलाय एकंदरीत ही स्पर्धा बी पी एल बारामती प्रीमियर लीग आणि बारामती प्रीमियर लीगमध्ये सध्या तरी बोलबाला आहे फलंदाजाचा गोलंदाज अजूनही तेवढे सक्षम पाहायला मिळाले नाही चला मी विनंती करेन शिवरत्न विनर्स चला आपलं क्षेत्राक्षर लावून घ्या आणि दुसऱ्या बाजूला के जी एफ सलामीची जोडी मात्र मैदानात आलेली आहे त्याला मॅच कडे जाऊया समर्थ आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय नवाब ही दुसरा मात्र जोडी मैदानाच्या तर पहिला षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर शिवराज ना कडून तनवीर पहिला षटक घेऊन चांगला चेंडू इकडे मात्र हातायचा सत्तर धावांचा आव्हानाचा सा पाठलाग करायचा आहे आणि त्याला सामोरं जाताना के जी एफ संघ कशा पद्धतीची स्ट्रॅटर्जी बनवेल याकडे प्रत्येकाचं लक्ष आहे पहिला चेंडू निर्धावा जातोय नवाब तो नवाब काय करना इकड़े ये सामने आखुर पे चेंडू जास्त सब बाहर जाते हैं पंद्रह संदर्य ऐसा हाँ खराब चेंडू है व्हाइट बॉल चांगली स्पर्धा माना ची स्पर्दा मुन्जा स्पर्दे करे जाते बीपीएल आपल्या पाचव्या पर्वात मात्र आपल्याला पाहायला मिळते मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात नवा उंचावर गेलाय आणि इकडे मात्र फलंदाज बाद होईल चेतन कोण चेतन बारावकरनी मला हा जे घेतलाय विकेट नंबर पहिला

कि जप पहिला झटका जल्दी लागत आहे तो फिर वहां से उभरना आसान नाही होता आणि मयूर सागर थोडस सा घाई करा मी पुन्हा एकदा विनंती करेल घाई करायला सांगायचं फुल फुलटॉच चेंडू होता परंतु बल फलंदाज तयार नव्हता खर तर त्यामुळे हा चेंडू नीट साफईवर आला नाही त्यांनी मात्र सन्मान दिला डॉट बॉल पुढचा चेंडू यावेळी मात्र कट करण्याचा प्रयत्न चांगली गोलंदाजी चांगली गोलंदाजी जाते तन्वीर कडून पहिलं षटक हाताळत चेंडूंचा विचार केला चार धाव संख्या फलकार एक एक गडेच्या मोबदल्यात एका बाजूला के जी एफ अर्थात अभिजित काय सर इथे मात्र सामन्याचा आनंद घेतात मुख्य व्यासपीठावरून त्यांच्या संघाचा यावेळी मात्र सर बॅटनी सर खेळण्याचा प्रयत्न बॉल बॅक ट्राईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न होता खर तर परंतु एक सिंगल मेल चांगलं क्षेत्रक्षण आपल्या थ्रू मध्ये पायाने अडवताना गोलंदाज धावसंख्या फलकावर लागते दोन गडी बाद झाले एक चेंडू झाले आतापर्यंत पाच शेवटच्या चेंडू या षटकातील चेंडू पायाला लागलाय तेव्हा थोडस गोलंदाज पायालाही फॉल खूप जोरात होता आणि खर तर इझी नसतं आपण जेव्हा गोलंदाजी करतो आपल्याच फॉलोतूर मध्ये चेंडू जाऊन अडवणं धावसंख्येचा के विचार केला दोन धावेवर एक गडी बाद शेवटचा चेंडू पहिल्या षटकातील घाई करा थोडीशी घाई करा मित्रांनो कारण वेळेचं बंधन आहे अजून दोन सामने बाकी आहेत लास्ट बॉल मात्र आपटलेला चेंडू डॉट बॉल षटक क्रमांक पहिल्या इकडे मात्र संपुष्टात येते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर फक्त आणि फक्त दोन धावा एक गड्यांच्या मोबदल्यात जाऊया डीजेला संधी देऊया यशवंत भाऊ खेळकर युवा उद्योजक बारामती यांचं देखील झालेलं आहे ठिकाणी शुभ आगमन आम्ही करतोय आपलं बारामती प्रीमियर लीग आयोजक टीम तर्फे आपलं मनपूर्वक स्वागत पहिला षटक प्रतिमा हातायला इकडे मात्र गोलंदाजी मार्कवर नवीन गोलंदाज आता मात्र लहू यांचा पहिला चेंडू जास्तच बाहेर निघतोय अम्पायर सांगता रेस हा खराब चेंडू आहे ने मात्र इकडे सुरुवात केली जाते लहू धावसंख्याचा विचार केला धावसंख्या फलकावर आहे तीन पहिलं षटक आपण पाहतोय मैदानाच्या दुसरं हो। यावी मात्र कट करण्याचा प्रयत्न अपील लाउड होत आहे पंच सांगता यास विकेट विकेट नंबर दुसरा फरंदाज समर्थ बॅक टू दी पवेलियन मात्र ज्या खेळाडूवर पूर्ण नजर आहेत के जी एफच्या अर्थात या संघाचा महत्वाचा हुकमी एक अर्थात वसीम शेख आता स्ट्राईक वर चॉईस प्लेअर तुम्ही पाहू शकता आणि त्याच्यासाठी आता चेतन काय कशा पद्धतीचा क्षेत्रक्षण लावतो ते खूप महत्वाचं आहे कारण एका संघासाठी खेळतात दरवी आणि आज मात्र दोघही विरुद्ध बाजूने तिकडे मात्र मोठा गाम मोठी विकेट बिग फिश इन नाईट वस्त इम्पॅक्ट तुझे पव्हिलियन्स खूप स्वस्तात इथे मात्र ज्या पद्धतीने इकडे विकेट्स पाहायला मिळतात दहा संगीचा विचार केला तीन वर तीन खूप बिकट परिस्थिती आहे सध्या के जी एफ ची नवीन गोलंद नवीन फलंदाज मुकेश चौधरी पाहूया मुकेश चौधरी कशा पद्धतीने इकडे मात्र पुन्हा एकदा अपील अपील लाऊड होत आहे पंचाने तिकडे मात्र वाईड करार दिलाय मुकेश नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत आलाय चला पण मी विनंती करेल जास्त वेळ घेऊन देऊ नका चला पंच लगेच पुढचं डिसिजन घ्या कारण जास्त वेळ नाही आपल्याकडे यस पंच आपला निर्णय त्यांना द्या लगेच आणि सामना चालू करा इकडे मात्र चेंडू पंच त्यांचा निर्णय देतील काय झाले एकंदरीत ऑन फील्ड जाऊन येस डॉट बॉल याही मात्र पाईन साइड आउट स्ट्रोक खेळ पाहायचा चेंडू मात्र बराच हवेत होता पण आपण ते विचारूया काय झालं एकंदरीत तुमच्यापर्यंत निर्णय आम्ही नक्की देऊ आम्हालाही सामन्याकडे लक्ष ठेवायचं प्रत्येकाला त्यामुळे आम्ही तुम्हाला योग्य तो निर्णय देऊ पंच या आधीचा चेंडू वाईट होता की नाही नाही ओके थँक्यू ध्यावसंख्या दोन ने वाढते दाव। ध्यावसंख्या जाऊन पोचते पाच गोलंदाज लहू चांगली गोलंदाजी हातात आतापर्यंत खूप मोठा विकेट त्यांनी मात्र घेऊन दिलाय ते मात्र हलक्या खेळून काढलाय सिंगल मात्र एक धावेने मात्र आपला आणि धावेला आकारणी देतोय धावसंख्येचा के विचार केला सहा के धावा तीन गड्यांच्या मोबदल्यात आपण पाहतात बारामती प्रीमियर लीग चा आजचा हा सहावा सामना अजूनही दोन सामने यानंतर येणे बाकी आठ सामन्याचा शेड्यूल आहे आपल्याकडे फलंदाज लहू याही मात्र मोठा फटका त्याला माहित आहे की मिडॉन मध्ये आहे आणि इकडे मात्र चेंडू जाईल सीमारेषा पार खनखनीत ठिकाणी जनचं नुकतंच या ठिकाणी शुभ दरम्यान काय त्यासोबत आपण या ठिकाणी पाहतो पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक सन्मानिय बंटी भैया तावरे यांचं देखील झाले या ठिकाणी शिवभागमण आम्ही करतोय आपल्या मानाची अभिमानाची बारामती प्रीमियर लीग दोन हजार चोवीस मध्ये बळपूर्वक स्वागत योगेश वटकर समय पकडा कॅच और खिलाडी जायगे बॅक टू दी पॅवेलियन मुकेश चौधरी एक उत्कृष्ट अशी स्पर्धा मानाची अभिमानाची ही स्पर्धा येणाऱ्यांच्या पाहुण्यांचा आपण या ठिकाणी पाहुणचार सन्मान देखील या ठिकाणी करतोय अतिथी भव बारामती नगरीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बारामा बारामती तालुका अध्यक्ष सन्माननीय माननीय श्री संभाजनान होळकर यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय आणि या ठिकाणी अभिजितजी कांबळे यांनी करावा अशी मी विनंती करतो आपण या ठिकाणी नाना यांचा या ठिकाणी सन्मान करतोय मुख्य व्यासपीठावर आपण पाहतो आज बारामती अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जे सन्माननीय श्री संभाजी नाना होळकर यांचा सन्मान अभिजित कांबळे सर यांच्या शुभस्ते होतोय त्यासोबत आपण पाहतोय पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक संचालक सन्माननीय बंटी भैया तावरे यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय आणि मी अभिजित भैया कांबळे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभस्ते आपण या ठिकाणी सन्माननीय संचालक बंटी भैया तावरे यांचा सन्मान करूया पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकचे संचालक बंटी बंटीभैया तावरे यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होतोय रामा सोले बीच मैदान में तनवीर से मैन फॉर्म मालेगांव दूसरी तरफ एक ही टीम में खेलने वाले रामासले मालेगांव के दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने लेकिन शायद अगर दिखे तो बीच मैदान में जिस तरह से अनभोनी तो हुई है वहां पर लेकिन बीच मैदान में योगेश भटकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ में यहां पर भी मुकेश चौधरी का विकेट गिरा है और वहां पर भी सरफराज खान की पारी वहां पर खत्म हुई है विकेट वहां पर आती हुई जिमी एंडरसन

बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कम माल टेक एक यहाँ पर एक उमदा कैच पकड़ा और शायद अगर दिखिए तो दानिश सैयद ने वो कैच पकड़ा और विकेट का पतन होता हुआ और सबर्थ निकम जाएंगे बैक टू तो पवेलियन तरवीर को मिल गई सफलता थोड़े से मुश्किल में आए हैं शंकर पाटिल के चेहरे थोड़े से हवा उतरे दत्ता ये भी प्रेशर में नजर आ रहे हैं अभिजीत काले मेंबर ये भी प्रेशर आ रहे हैं दूसरी तरफ यशवंत भाव खेड़कर ये शायद अगर देखिये तो टंगू भाऊ के साथ में थोड़े से मस्ती में उलझ रहे क्योंकि टंगू भाऊ की टीम जीती है इसलिए मुस्कुराते चेहरे राजू पाचन ये भी मुस्कुरा रहे हैं पीएनसी इस बात देखिये कलेक्शन अच्छा है बल्ले के बीचों बीच आवाज बहुत उमदा आई है बिल्कुल जाएगी स्टैंड में क्योंकि प्रांजल गायकवाड़ का शॉट है जल रन सर रविंद्र जडेजा इनके सौ रन पूरे होते हुए बहुत देर लगी इस सेंचुरी आते आते एक सौ तो अट्ठानवे गेंदों में सौ रन जड़े रविंद्र जडेजा ने तीन सौ पंद्रह पे पांच तीन शतकामध्ये धावसंख्या फलकर एकोणीस धावा पाच गणांच्या मोबदल्यात नवीन गोलंदाज येतोय फलंदाज त्याचा काही फायदा उचलू शकला नाही आणि ओव्हर थ्रो इकडे मात्र झाला परंतु या ओव्हर थ्रो ला एक सिंगल मात्र मेन धावसंख्येचा दा, विचार केला दा, धावसंख्या मात्र जाऊन पोचतोय ती मात्र आता वीस खूप यानंतर आपण पाहतोय की ज्या धावा आहेत त्या धावा जमवण्यासाठी प्रयत्न केले के गेले आहेत खास करून आता मात्र प्रांजल ज्या पद्धतीने खेळतोय प्रांजलनी एक षटकार खेचलाय धावसंख्या संख्यावर वीस ट्वेंटी अजूनही पन्नास धावांची गरज आहे येणाऱ्या सतरा चेंडू सतरा चेंडू पन्नास धावा फास्टेस्ट फिफ्टी कडे मात्र जावा लागेल चला घाई करा घाई करा मित्रांनो भरपूर वेळ घेतला जातोय खर तर आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे कारण पावणे पाच वाजलेत दोन सामने बाकी आहेत आता हे दोन सामने करायचे कसे हाही प्रश्न आहे सध्या आयोजकांसमोर चांगलं चेंडू मध्ये येणार आहे मग चेंडूला खेळून काढलाय सिंगल मात्र मिळेल एक धावे अप्रतिम तेवढी चांगली आहे इकडे मात्र काय झालं एकंदरीत दोन धावा मात्र इकडे पूर्ण केल्या जातात धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या जाऊन आहे बावीस वन ट्वेंटी टू खूप मोठा विकेट होता हा कदाचित चांगली फलंदाजी करते प्रांजल प्रांजलनी दोन चेंडू खेळत आठ डाव बनवलेत आपल्या संघासाठी अशीच खेळी करावी लागणार महत्वाचं हो चेंडू उसळी घेणार पंचांचा वाईट चा इशारा धावसंख्येचा के विचार केला धावसंख्या मलकर के तेवीस ट्वेंटी थ्री आता एक वाईट आलाय म्हणजे माऊस ही कदाचित त्यांना येस पंच वॉर्निंग देणार त्यांच्या मोबदल्यात केजीएफ संघ पूर्णपणे त्यांचे जे के चे फलंदाज मात्र धाराशाही पडलेत अजूनपर्यंत पाच विकेट आ, ओ, चांगला चेंडू चांगला चेंडू मध्ये येणारा चेंडू फलंदाज पूर्णपणे बीट टॉट पॉल तेवीस वर पाच अजून सत्तेचाळीस सामानची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी के जी एफ ला के ला ना टॉनिक कुठला टॉनिक हवाय तर त्यांना टॉनिक हवाय जबाबदारीचा जबाबदारीचं टॉनिक जर त्यांनी घेतलं तर कदाचित सामन्यात पुनरागमन करू शकतील त्यांचे चाहते आणि अभिजित सर थोडेसे नाराज आहेत आपल्या संघाच्या कामगिरीवर खर तर आज फुल टॉस आहे फायदा उचलणार एस चेंडू मात्र जाणार सीमारी शपार खनखनीत बीपीएल चौका चार धावा आ, या सामन्याचा आनंद घेत आहेत बारामती नगरीचे कर्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे बारामती तालुके अध्यक्ष सन्माननीय संभाजी नाना होळकर मुख्य व्यासपीठावर या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेत आहेत खरं तर बारामती टेनिस क्रिकेटसाठी हे मैदान खुलं करण्यामध्ये एक मोलाचं सहकार्य नाना यांचं लाभलं आणि त्यामुळं आज आपण या ठिकाणी पाहतोय लाख मोलाची अभिमानाची अरे बारामतीच्या प्रत्येक टेनिस क्रिकेटच्या मनात घर करून राहणारी अशी स्पर्धा बारामती प्रीमियर लीग आपण या ठिकाणी पाहतोय यामध्ये बारामती टेनिस क्रिकेटमध्ये गेल्या काही दिवसामध्ये आपण पाहतो लेदर यास या मैदानावर भरपूर खेळले जायचे टेनिस क्रिकेटसाठी थोडीशी बंदी होती परंतु पुढाकार नेहमी एक उत्कृष्ट पुढाकार घेतल्या घेतला आणि त्यानंतर मात्र बारामती टेनिस क्रिकेटसाठी हे मैदान खुलं करण्यात आलं त्यामध्ये एक मोलाचं सहकार्य सन्मान्य सी संभाजी नाना होळकर यांच्या मदतीने हे स्टेडियम मोकळं होण्याचा मार्ग देखील या ठिकाणी भेटलेला आहे एक बहरदार चौकार के ऊपर और कहानी खत्म शायद चार की हो गई है चार के बाद में तैतीस रन लगे बोर्ड के ऊपर बारह गेंदे अभी भी शेष है बारह गेंदों में अभी भी बहुत सारे रन बाकी हैं

खत्म खत्म खतम। संपले दादा बारह गेंदे थर्टी सेवन अब रामा सोले जो चेंडू सिंगल डबल षटकार डबल चौकार रामा सोले मालेगांव नगरी के रामा सोले एक हार्ड हिटर रूप में हमेशा पहचाने जाने वाले जब तक ये मैदान में तब तक ये मुमकिन भी हो सकते हैं दूसरी तरफ प्रांजल गायकवाड़ आप देख रहे हैं क्रिकेट के मैदान में हारता वो है जो लड़ता नहीं है क्रिकेट के मैदान में अचेतन पार कराए हैं गेंदबाजी करने के लिए मैन फॉर्म लोनी फाफकर और बल्लेबाजी मार पे मैन फॉर्म मारेगा रामा सोले बारह गेंदे रन चाहिए 37 क्रिकेट के मैदान में क्या होने वाला है घमासान क्योंकि एक तरफ के किंग तो दूसरी तरफ शिवरत्न भी बारह सदतीस ची गरज है सद्या पहला चेंडू आखड़ पदरी जो पंच जाऊन इकड़े मात्र पंच संगता हा डॉट बॉल जरी असला तरी एक वॉर्निंग इकड़े सर अगर देखिए बात करें रामा सोले, बड़े मैच के बड़े हीरो है और ये इनका दिन अगर है तो ये रन मुश्किल है ये गेंदों थर्टी सेवन रन बन सकते हैं देखा है हमने कभी कबार ये होते देखा है चेतन बारह होकर के सामने सारा बारामती टेनिस क्रिकेट का लक्ष्य है ये दोनों के ऊपर आज ये देखिये बलाबस घुमा है अलंग अलंककार पे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर मौजूद एक एकमात्र रन मिलेगा सिंगल अगर दूसरा रन ले रहा है तो पहला रन तेजी से लीजिए दस गेंदे रन चेंडू सहा क्रिकेटच्या विश्वात आपण अनेक वेळा विक्रम होताना पाहिलेत परंतु आज विक्रम बनवावा लागणार आहे खर तर मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात प्रांजल थोडासा मिस टाइम स्ट्रोक आहे चेंडू बराच करावेत आहे कोणती चुकी करणार नाही शेतरक्षक आणि खूप वेळाने एक पार्टनरशिप चांगली बिल्टअप होत होती ती पार्टनरशिप मात्र इकडे ब्रेक होताना आकाश लोणकर न्यू मॅनिंग धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्येचा चौतीस वर्ष प्रयत्न तर करावे लागणार आहेत कारण तुम्हाला सामना जिंकायचा आहे तर प्रयत्न करावे लागणार आहेत प्रयत्नांकाची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे इकडे मात्र धावसंख्येला उभारणी द्यायची असेल तर प्रयत्न हे तुम्हाला जास्तच करावे लागणार आहेत गोलंदाज पुन्हा एकदा त्या हो चांगला चेंडू आहे पंचांकडे पाहिलं जात आहे खरं तर चेंडू निर्धाव जसा जातो तसा पंचांकडे आणि या नो बॉल एक वॉर्निंग होती मला वाटते त्यामुळे इकडे हा नो पाहायला मिळतोय धावसंख्येचा विचार केला संख्या फलकावर लागते चौतीस पस्तीस पस्तीस ची गरज आहे चला पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे लक्ष असू द्या पस्तीस दहावीची अजूनही गरज पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार याही मात्र बॅटवर चेंडू आलाय आणि चेंडू जातोय सी जवळ ओ चांगला प्रयत्न थोडासा अडखळले परंतु या दोन धावा मात्र मी ना धावसंख्याचा विचार केला धावसंख्या सदोतीस धावा थर्टी सेव्हन आता तेहतीस ची गरज आहे आठ चेंडू शिल्लक आहेत रामा आणि दुसऱ्या बाजूला आकाश लोणकर पुढचा चेंडू मात्र हा चेंडू जातोय निर्धाव डॉट बॉल समीकरण म्हणते आता सात चेंडू शिल्लक आहेत सात चेंडू मागे तेहतीस धावांची गरज आहे अजूनही सामन्यामध्ये रंग येऊ शकतात जर या चेंडूवर षटकार चौकार आला तर शेवटच्या सामन्यात जिवंत होऊ शकतो चांगला चेंडू डॉट बॉल सहा चेंडू तेहत्तीस धावांची गरज आहे सहा चेंडू 33 जावा चला आता जास्त टीम मिटिंग नका कॅप्टन चेतन चला घाई करा लगेच सामना चालू करा आणि शेवटच्या सामन्यासाठी जे दोन संघ आहेत त्यांनीही लक्ष ठेवा आपणही जास्त वेळ वेळ घेता आपण तयार व्हायचं प्लीज आज झाल्यात आतापर्यंत सात सदोतीस वर सात आणि आता ही सात अजून पुढे कोण घेऊन जाणार याकडे लक्ष आहे औपचारिकता बाकी आहे का सामन्यामध्ये असं म्हणावं लागणार आहे पाच चेंडू तेहतीस धावा चांगला चेंडू मध्ये येणारा या चेंडूला फक्त दिशा दिल्या पाहायचं क्षेत्रक्षक आहे थोडस फंबल एक धाव मात्र मिळेल धावसंख्या एक नि वाढेल नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत किरण पवार आता किरण पवार एक आपण रायगडमध्ये पाहतो जे आणि चौकार षटकार मारायला प्रसिद्ध आहेत परंतु इकडे हा किरण पवार सिंगल ने आपलं रोटेट करतो इकडे मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळेल पुन्हा एकदा शेवटचे तीन चेंडूची चे औपचारिकता बाकी आहे ती तीन चेंडूची चे औपचारिकता कशी पूर्ण करणार कॅप्टन कुल म्हणून ज्यांची ओळख आहे बारामतीचं क्रिकेट पुढे नेणार ज्यांचा खूप मोठा सिंहाचा वाटा अर्थात चेतन काळंगे पुन्हा एकदा चेंज ऑफ पेस ही खासियत आहे आणि चेतन, चेतन जेव्हा जेव्हा मैदानात येतो तेव्हा तो, ते तो फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण आणि आपल्या कर्णधाराच्या सर्व भूमिकेतून प्रत्येकाच्या घरात घर बनवतो शिवरत्न विनर्स या सामन्यात याय मात्र हा वाईट बॉल धावसंख्या एकोणचाळीस सात गणांच्या मोबदल्यात एक वर सात पुनः एकदा खराब चेंडू वाइट बॉल धाव संख्या पोचली चाईस वर फोर्टी चाईस वर सात पुढ़ चेंडू गोलंदाज पुनः एकदा तैयार इकड़े मात्र डायरेक्ट हिट विकेट नंबर आठ एट विकेट डाउन फॉर्टी चाळीस धावेवर आठ घडी बाद शेवटचा चेंडू लास्ट बॉल चला घाई करा घाई करा शेवटचा चेंडू आता काय औपचारिकता बाकीचे त्यांची घाई करा आता मला वाटते जास्त वेळ घेऊ नका आणि इकडे मात्र सामना संपतोय सामना जिंकलाय तो तीस एकोणतीस धावे नाही इकडे मात्र टीन शिवरत्न विनस वन बाय ट्वेंटी नाईन रन्स